गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो हाल फिलहाल में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे, जो बिल पेश हुआ था ओबीसी पे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर। आप जैसा कि जानते हैं कि 10 अगस्त 2021 को लोकसभा ने ये 127th अमेंडमेंट बिल जो है पास किया था, यूनानिमसली वो भी किया था। पहले लोकसभा में पेश हुआ था, लोकसभा ने पास कर दिया। उसके बाद आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा है कि द बिल वाज पास विद मोर देन 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस स्ट्रेंथ एज वेल एज मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस। एक्चुअली बिल जो था ओबीसी लिस्ट के ऊपर था, स्टेट और सेंटर में कंफ्यूजन था। बेसिकली ये पूरा का पूरा जो बिल है इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे, आप कह लीजिए कि इंटरप्रेट करने में उसको इश्यू हो रहा था। हम आपको बताएंगे क्योंकि ये जो बिल जुड़ा हुआ है वो 102nd अमेंडमेंट हुआ था उससे रिलेटेड है। तो अभी आपको 102nd अमेंडमेंट पे डिस्कस करूंगा। एक्चुअली इसी पे ये बेस्ड है। अगर आपको 102nd अमेंडमेंट नहीं मालूम तो आई थिंक आपको ये समझने में इश्यू होगा। अब आप ये कह सकते हैं कि अब तक 104 टाइम्स अमेंडमेंट हो चुके हैं। आप ये कह सकते हैं कि 105th अमेंडमेंट है ये भारतीय संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये अमेंड हो चुका है, अब तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये दोनों सदनों से पास हो चुका है और ये अमेंड हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले लोकसभा में पेश हुआ था, उसके बाद ये पास हुआ एंड मोर देन 2/3 मेजोरिटी से ये पास हुआ। जितने भी हाउस ऑफ मेंबर्स थे वहां पे प्रेजेंट थे, 385 मेंबर्स ने लोकसभा में फेवर में वोट किया था। और खास बात यह है कि इसके अगेंस्ट में किसी ने नहीं किया था। और इसका रीजन ये भी हो सकता है कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं यूपी में, और यूपी के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए जो अपोजिशन थे उन्होंने अगेंस्ट में भी इसके कुछ नहीं बोला, इसके खिलाफ नहीं गए, सभी ने इसको फेवर किया इस बिल को। क्योंकि एक ओबीसी कम्युनिटी को ये बिलोंग करता है इसलिए सभी ने फेवर में किया। राजस्थान जुडिशरी का सबसे मैं बता देता हूँ, राजस्थान जुडिशरी से रिलेटेड बैचेस चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 5 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं बैचेस, और जजमेंट राइटिंग के भी लेक्चर्स आप ले सकते हैं। स्पेशली आरजेएस के लिए जो बैचेस चल रहे हैं वो 5 to 6 हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म पे स्टडी मटेरियल मिलते हैं और लास्ट ईयर के एमसीक्यूज मिलते हैं। डॉक क्लीन सेशन होता है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द क्लासेस और आफ्टर द क्लास। मॉक टेस्ट फैसिलिटीज भी है, जजमेंट राइटिंग प्रैक्टिस भी है, लीडिंग केस डिस्कस किए जाते हैं, जनरल नॉलेज भी है एंड स्टेट वाइज प्रिपरेशन होता है। वीडियो पे आते हैं, उसके बाद टॉपिक पे आते हैं। 10 अगस्त के बाद 11 अगस्त को ये राज्यसभा से भी पास हो गया था, और राज्यसभा में भी मेजोरिटी ऑफ स्टेंट से पास हो गया एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जो प्रेजेंट इन द हाउस इसको पास कर दी। 187 मेंबर्स थे राज्यसभा में, इसके फेवर में किया और वहां पे भी कोई किसी ने अगेंस्ट में नहीं किया। तो ये दोनों सदन से पास हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा एम के बारे में समझ लेते हैं कि इस एम का, इस बिल का पर्पस क्या है। एक्चुअली में पहले राज्य सरकार को इंडिपेंडेंटली ये पावर नहीं था कि वो ओबी लिस्ट बना सके, अपने स्टेट में ये तय कर सके कि किन कम्युनिटी के लोग ओबीसी में आते हैं, किन कम्युनिटी के लोग नहीं आते हैं। इसके लिए एक्चुअली प्रेसिडेंट से आप कंफर्म करते थे। एक हमारे पास नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है, या आप कह लीजिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एनसीबीसी। तो एनसीबीसी जो है उनको रिकमेंडेशन भेजते थे, तो प्रेसिडेंट साहब उसको कंफर्म करते थे। ये मामला था पहले, तो ऐसा लगता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे पावर हैं स्टेट को, क्योंकि आर्टिकल 15 जब आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे सब आर्टिकल 4 में वहां पे मेंशन है। जब आप आर्टिकल 15 पढ़ेंगे तब आर्टिकल 4, तो ऐसा वहां पे है कि भाई जो है राज्य सरकार को ये पावर होता है कि वो ओबीसी, अगर मान लिया कि इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस है तो उनके लिए रिजर्वेशन कर सकती है, ऐसा वहां पे पढ़ने में लगता है। लेकिन वो एक्चुअली में सिर्फ पढ़ने में ही लग रहा था, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा था। प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा था कि प्रेसिडेंट कंफर्म कर रही है तब ये तय हो पा रहा है कि हाँ भाई स्टेट गवर्नमेंट जो है इन कम्युनिटी को ओबीसी में इंक्लूड कर पाएगी, ऐसा लगता था इंटरप्रिटेशन क्लॉज से। तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के पास जो ओबीसी लिस्ट बनाने की पावर थी उसको रिस्टोर किया गया इस बिल से। गवर्नमेंट ने इस बिल को पार्लियामेंट में इसलिए इंट्रोड्यूस किया है, सम प्रोविजन इन द 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो थे उसको रिस्टोर करने के लिए। 102nd अमेंडमेंट हुआ था तो वहां पे भी ये क्लेरिफाई नहीं हो पाया था, वहां पे भी ऐसा था कि प्रेसिडेंट के पास पावर है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 4, आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 5, आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 4 ये राज्य सरकार को ये पावर देता था कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, ऐसा वहां पे लिखा है। जो स्टोरी है मैं वो बता रहा हूँ, वहां पे तो ये लिखा है। लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुए थे एक्चुअली में मराठा रिजर्वेशन से भी इसको आप जोड़ सकते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक
अमेंडमेंट किया था, वहां पे ये कहा था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कि मराठियों को रिजर्वेशन मिलेगा। अब मराठा जो होते हैं बहुत ही संपन्न कम्युनिटी के लोग होते हैं, तो उन्होंने मराठा को ओबीसी कैटेगरी में रख दिया, ओबीसी लिस्ट में रख दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवर्स किया था और मई में 2021 में इसको रिवर्स किया था। तो इसके खिलाफ जो पिटीशन लगाए गए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिटीशन लगाया था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एक बार इसको और सोच लीजिए, क्योंकि पहले से जो 102वां अमेंडमेंट था, 102nd अमेंडमेंट था, तो वहां पे तो ये पावर था कि भाई प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है, स्टेट अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंडिपेंडेंटली जो है किसी भी कम्युनिटी को ये नहीं तय कर पाएगी कि वो ओबीसी में है या नहीं, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया। तो इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देखो, प्रेसिडेंट के पास बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी जो है उसके रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट साहब ये कंफर्म करते हैं, वो डिटरमाइन करेंगे कि कौन सी कम्युनिटी जो ओबीसी लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। महाराष्ट्र ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आगे मराठा को ओबीसी में डाल दिया था। मई 2021 में क्या हुआ था, फिर लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था, इसी को मद्देनजर रखते हुए 102 आया था, 102nd अमेंडमेंट आया था। इस केस को मराठा केस के बाद ही 102nd अमेंडमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसमें भी क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए फिर आप अभी जो है इन्होंने 127th अमेंडमेंट बिल पेश करके 105th अमेंडमेंट के जरिए जो है इसको क्लैरिफाई किया है। बेसिकली ये इंटरप्रिटेशन का खेल है। तो अभी आप कह सकते हैं कि 102 में जो ऐड हुआ था, जब मराठा वाला केस हुआ था, मराठा रिजर्वेशन से रिलेटेड, कि भाई इकोनॉमिकली और एम्प्लॉयमेंट में इनके लिए रिजर्वेशन दिया जाए, तो वहां पे 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 में हुआ था, वहां पे 338B ऐड किया गया, 342A ऐड किया गया। 338B ये करता है, एक एनसीबीसी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल ये एस्टेब्लिशमेंट है एनसीबीसी। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक रूप से इसका कोई अस्तित्व नहीं था, बस बना हुआ था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली इसको इम्पावर नहीं दिए गए थे। अभी 338B जब उठा के आप आर्टिकल पढ़िएगा तो वहां पे स्ट्रक्चर दिया गया है, इनके पावर्स दिया गया है, इनकी ड्यूटीज क्या क्या रहेंगी वो मेंशन किया गया है, यानी कि क्या प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, 3 मेंबर्स होंगे, इनके ये ड्यूटीज होंगे, ये पावर्स होंगे एनसीबीसी के, सारा वहां पे अमेंडमेंट करके दे दिया। आर्टिकल 342A ऐड करके कहा गया कि प्रेसिडेंट जो है, अगर राज्य सरकार का जो गवर्नर है उसके कंसल्टेशन से जो वो स्पेसिफाई करेगा कि एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस कौन है, तब लिस्ट में डाला जाएगा। तो ये 102 के अमेंडमेंट के बाद ये सारी चीजें आई थी। अब इसके बाद भी, अब क्या होगा कि इसके बाद भी आर्टिकल जुड़ जाएंगे, 342A है, जो भी ए है उसके आगे भी सब आर्टिकल ऐड होके ये जो 105th अमेंडमेंट हुए हैं, यानी कि 127th बिल वाला कह लो, कि वो ऐड हो जाएंगे। तो वहां पे ये हो जाएगा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जो है इंडिविजुअली अपने कैपेसिटी में जो है स्टेट लिस्ट बना सकती है, उसके लिए फिर प्रेसिडेंट से कंसल्टेशन करने की जरूरत नहीं, वहां पे इस तरीके से कुछ ऐड हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिए। तो आई होप कि आपको ये पूरा प्रोविजन जो 127th बिल का है वो आपको समझ में आया होगा। तो यानी कि अगर एक समअप में हम बात करें तो राज्य सरकार अब चूंकि ओबीसी का लिस्ट इंडिपेंडेंट वे में बना सकती है, इसके लिए उसको प्रेसिडेंट से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे रूल नहीं है। यानी कि दो लिस्ट होते हैं, एक ओबीसी लिस्ट स्टेट लेवल पे, एक ओबीसी लिस्ट जो सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल जो है अपना तो बना ही सकती है, सेंट्रल लेवल पे भी ओबीसी बना सकती है, ओबीसी लिस्ट बना सकती है, और राज्य स्तर पे भी राज्य सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, वहां पे फिर सेंट्रल का दखल नहीं होगा। तो आप देखते हैं कभी कभी कोई जरूरी नहीं है कि एक अगर अगर मराठा जो है महाराष्ट्र में आ रहा है ओबीसी में, तो वो सेंट्रली भी ओबीसी की लिस्ट में आएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। इसलिए आप फेस्टिवल में कहीं के फेस्टिवल भी देखते हैं, गजिस्टेड हॉलीडे कहीं डिक्लेयर होता है किसी स्टेट में, लेकिन सेंट्रली उसको नहीं किया जाता, तो अकॉर्डिंगली ऐसा होता है। तो लिस्ट अब इंडिपेंडेंट हो गया, राज्य सरकार को भी एक स्वतंत्र रूप से अधिकार मिल गया कि स्टेट लिस्ट बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, तो एक पर्टिकुलर ओबीसी कम्युनिटी को ये रुझाने के लिए भी है और इससे बेनिफिट भी होगा। बेसिकली यहाँ पे लड़ाई ये हो सकती है, इश्यू ये हो सकता है कि जाट कम्युनिटी भी ओबीसी लिस्ट में आ जाएंगे इसमें, जबकि वो चूंकि संपन्न होते हैं, उनको जरूरत है नहीं ओबीसी का कोई रिजर्वेशन लेने के लिए। तो मैक्सिमम ओबी जो रिजर्वेशन होते हैं इस कैटेगरी में, भारतीय संविधान कहता है 50% होना चाहिए, 50% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि ये गो थ्रू हो गया आपका, आप अपडेटेड हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।